गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. क्लास 7th हिंदी व्याकरण. आपका लेसन है संधि. तो कल हम लोग पढ़ रहे थे व्यंजन संधि के दो नियम. तो चलिए आज हम इसका तीसरा नियम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का. तो देखिए किसी स्वर, तो इसमें देखिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ या री के बाद छ आने पर छ से पहले आधा च जुड़ जाता है. देखिए इसमें बता रहे हैं कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण, यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटा आ हो, छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, री हो, इतने वर्ण आए पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और इसके बाद दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छ हो, तो छ के आने पर छ से पहले च जुड़ जाता है. जैसे देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटी ई आया है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या आया है, छ आया है. तो देखिए तो इसमें बता रहे हैं कि अ ई उ री के बाद छ आने पर, तो देखिए छोटी ई के बाद क्या आया है, छ आया है, तो क्या हो जाता है, छ आने पर छ से पहले आधा चा. देखिए चा के नीचे हलंत लगाए हैं, तो चा के नीचे हलंत लगाए हैं तो ये क्या हो जाता है, इसमें से स्वरवर्ण निकल जाता है, इस व्यंजन वर्ण से स्वरवर्ण निकल गया है तो ये आधा चा हो जाएगा. देखिए तो संधि हुई संधि छेद, तो देखिए छा के पहले ये आधा चा आ गया. देखिए इसमें बताया गया है ना यहाँ पे नियम में कि छा से पहले चा के नीचे हलंत लगाए हैं तो ये आधा हो गया है, आधा चा हो गया है, इसमें से इस व्यंजन वर्ण से स्वरवर्ण निकल गया है तो यहाँ पे शब्द बन गया संधि छेद. ऐसे ही देखिए विच्छेद शब्द है, विच्छेद शब्द में जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे विच्छेद शब्द का तो हो जाएगा विधन छेद. तो ऐसे ही देखिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई आया है तो छोटी ई के बाद देखिए छा आया है तो छा के पहले क्या ला देंगे, आधा चा ला देंगे. ऐसे ही देखिए अनुच्छेद है, अनुच्छेद शब्द है, जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा अनुधन छेद. तो देखिए छोटा ऊ आया है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, छोटा ऊ है, ये देखिए, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, छा है. तो देखिए आ ई उ री पढ़े थे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे छोटा ऊ आया है तो छोटा ऊ के बाद ये छा आया है. तो इसमें बताया गया कि जब ये देखिए आ ई उ री के बाद अगर छा आए तो छा से पहले ये आधा चा जुड़ जाता है. तो ऐसे ही देखिए ये छोटा ऊ है, छोटा ऊ के बाद छा आया है तो छा के पहले हम क्या ला देंगे, आधा चा ला देंगे तो शब्द बन जाएगा अनुच्छेद. ऐसे ही देखिए स्वच्छंद भी है, स्वच्छंद शब्द का भी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा स्वधन छंद. तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखिए छोटा आ आएगा, ये वा व्यंजन वर्ण है तो व्यंजन वर्ण में इस समय हम किसकी सहायता से बोल रहे हैं, इस वा को स्वरवर्ण छोटा आ की सहायता से बोलना है, तो इसलिए हम इसमें से पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या लेंगे, छोटा आ लेंगे और दूसरे शब्द का हम प्रथम वर्ण क्या लेंगे, छा लेंगे. तो आ के बाद छा आया है तो छा से पहले आधा चा हो जाएगा. देखिए शब्द बन जाएगा स्वच्छंद. तो आज बस इतना ही, आगे कल. आज आपका होमवर्क है ये जो मैं आपको इसका तीसरा नियम पढ़ाई हूँ, आप इसको फिर से पढ़ेंगे और समझेंगे भी. थैंक यू.